चलो माथा टेक लेते हैं आंटी ने वो आंटी अच्छे से डांस करेंगे। ये है अपना गांव गाइस। हम लोग आए हैं रूप गोस्वामी जी के मंदिर में। हाय वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है वन एंड ओनली। जैसे कि अभी दिन की शुरुआत हो चुकी है और हुई है गोवर्धन से। जैसे कि आपको पता है कल हम गए थे बरसाना लेकिन दर्शन नहीं हो पाए। आज फिर जाएंगे बरसाना और करेंगे प्रॉपर दर्शन। कल हम लोग नंद गाँव चले गए थे। नंद गाँव जाने के चक्कर में मेरा बरसाना राधा महल रह गया। चलिए कोई नहीं, आज चले जाएंगे। और ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल, हमारी राधा रानी और बलदाऊ कितने मोहक लग रहे हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। एक क्लोजअप, एक आपको क्लोजअप लुक देते थे, कितने प्यारे लग रहे हैं। ये देखिए राधा रानी कितनी, ऐसे लग रहा है अभी नवीन, ऐसे लग रहा है अभी नई नवेली दुल्हन है। और ये देखिए हमारे बलदाऊ कितने प्यारे 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 हैं। सो चलिए फटाफट निकलते और आपसे मिलते हैं ऑन द वे। सो गाइस वापस एक बार आ गए हम लोग बरसाना। बरसाना पहुंच गए हैं, वापस रेस्टोरेंट चले हैं, कुछ खाते हैं। एक्चुअली ना जिसमें आए वहाँ पे एक बच्चा भी था तो उसने ना ऐसे उसको वॉमिटिंग हो गई, तो हमारे कपड़ों पे भी थोड़ी लग गई है तो वो साफ वाफ भी कर लेंगे। चलो चलते हैं। सो गाइस खाना हम खाने आ गए उसी रेस्टोरेंट में है जिसमें कल भी आए थे। और ये देखो लच्छा परांठा, इधर की तरफ लच्छा परांठा ऑर्डर किया गया, इधर की तरफ सादी रोटी, सादी रोटी एकदम तंदूरी रोटी नहीं, सादी तवे की रोटी। और बच्चे खा रहे आलू का परांठा और साथ में खीरा मिक्स वेज एंड दाल तड़का, नहीं दाल मखनी। सो फटाफट खा लेते हैं। सो फिलहाल जा रहे हैं हम लोग नंदगांव। हम दो लोग आए हैं रूप गोस्वामी जी के मंदिर में। नहीं ले जाएगा पर कोई बैठ नहीं सकता जी। किस चीज किन का सिंहासन है? यही है देखो, ये है गायकारी कामर दौरी घूमा। अच्छा, यही गाय चरने आती थी। अच्छा, हर गाय का नाम हुआ करता था घूमर गौरी। तो सारी गायों के नाम लाली। मैं आपको गाय गायों के नाम बताती थी। यहाँ पे है गौरी, यहाँ पे है गुलाबी, घूमर गौरी। फटाफट जाना पड़ेगा। ये है हरी, हरी ये है पीली, ये क्या है, ये है कारी, ये है घारी नहीं घोरी। और एक बच गई लास्ट में, वो कौन है लाली। आस लगा रहे कि कब दर्शन होंगे। लेकिन क्योंकि भोले बाबा का जो स्वरूप था वो बहुत ही डराने वाला था, तो मैया ने कहा कि भाई अगर तुम इस तरह से भयावह रूप है दर्शन कराऊंगे तो हमारा लाल डर जाएगा। हाँ, इसीलिए यहाँ पे आज भी भोले बाबा विराजमान है। आपने देखा था दर्शन? हाँ, साक्षात रूप में कहते हैं विराजमान है। और ये उनका असली वो है, शिला है, मतलब जो शिव पिंड होता है वो असली शिव पिंड है। तो गाइस ये है यहाँ का जलकुंड, इनके भी दर्शन करा देते हैं। चलो आगे, थोड़ा आगे जाके आपको दिखाते हैं। एहसास यहाँ पहुँच के होता है ना, वो सिर्फ आंखें ही बता सकती हैं। कैमरा तो लिमिटेड चीजें दिखा सकता है। और इस तरह के कुंड आपको यूजुअली हर जगह नजर आ जाएंगे। पर इशू क्या है ना ऐसी जगह का, लोग आते हैं ना वो अपनी आदत से मजबूर है, गंदगी मचाते हैं। हाँ। अभी देखो यहाँ पे अगर इस कुंड में देखा जाए तो देखिए कॉर्नर में गंदगी है। सो गाइस, गंदगी, गंदगी, गंदगी है। बहुत होता है,
तो कभी भी ऐसी जगहों पे आए तो तीर्थ स्थली पे तो गंदगी नहीं होनी चाहिए, बहुत ध्यान रखें। बंदर यहाँ पर घूम रहे हैं। सो अभी हम गन्ने वाले भैया के यहाँ पे गन्ने का जूस पीने जा रहे हैं, मेरा पति वहाँ पी रहा है, तो हम सबको इक्वली मौका दे रहे हैं। एक तरह वहाँ से हो रहा है कि वहाँ पर भी एक बंदे की बोनी हो रही है और यहाँ पर भी बोनी करवा रहे हैं। अगर तो यहाँ से आपको दिखेगा नंद बाबा का महल, अरे कितना उबड़ खाबड़ है। सो नंद बाबा की गौशाला में आ गए। ये प्राचीन बाबा की ही है, ये नंद बाबा की है। अच्छा यहाँ मंदिर भी बना हुआ है। चलो बेटा उठो। सो ये नंद बाबा की प्राचीन गौशाला है जो असली में है गाइस। और यहाँ देखिए कितने खूबसूरत वन बने हुए, पेड़ ऐसे हैं जैसे लग रहा वन है अंदर, पेड़ों का डिजाइन ऐसा है। लो आंटी भी आ गई। सो ये गांव का वो नज़ारा है जो शायद ही किसी को इतनी आसानी से देखने मिलता होगा। जी आंटी चालू हो गई डांस करना। चलो माथा टेक लेते हैं आंटी ने, आंटी अच्छे से डांस करेंगी। ये है अपना गांव गाइस। चल तू भी डांस कर ले आंटी के साथ, जा आंटी के साथ डांस करा। आग लगा दी। आंटी बहुत बढ़िया कर रही हैं, छोड़े कैसे आंटी को, अंदर दर्शन कर। हाँ हनुमान जी महाराज का मंदिर है। अच्छा ये वाले। हाँ